भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कई तरह की फसलों की खेती की जाती है और कई फसलों को उनके रंग और किसान की आमदनी के हिसाब से नाम भी दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। कपास, तिल, लहसुन या फिर मूली। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको किस फसल को कहा जाता है सफेद सोना? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है कपास। अब जानते हैं कपास से जुड़ी सारी जानकारी। कपास की खेती को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि कम लागत में इसे ज्यादा आमदनी देती है, इसीलिए किसान इसे सफेद सोना कहते हैं। भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह दुनिया भर के कुल उत्पादन का लगभग 23% उत्पादन करता है। कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। कपास की खेती करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। वहीं इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बीजों का जो हिस्सा बचता है उसे पशुओं के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। कपास गर्म जलवायु में बढ़ने वाला एक पौधा है। विश्व की 20% कपास की खपत भारत में होती है। साथ ही कपास की खेती कई जगहों पर होने के कारण बाजार में इसकी कई किस्में देखने को मिल जाती हैं। इसकी खेती काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में इसकी खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी कपास की खेती की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि में भी कपास की खेती की जाती है। जब जलवायु की बात आती है तो कपास गर्म या फिर थोड़ा गर्म जलवायु में सबसे अच्छी तरह उगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।